Khalsa mero sukh pehla, Khalsa mero sukh pehla.
सुख के नाल जुड़े रहिए, उसको अपना चित्त करके हृदय करके अंदरों मनना है, आप इस देवी सुख हो जा रहे हैं। साहब जी कहते हैं गुरुदेव पात महाराज जी, जो सुख को तू परमात्मा दी, उस वाहिगुरु दी, उस अल्लाह दी, उस राम की शरण में जुड़ जा, ये तो सदा वास्ते सुख चाहना है। शब्द ना दिखता है सुख चाहते हैं, चाहते हाँ आप यह सुख की पंता दे पात्र हैं, बहुत बड़े पात्र हैं जिड़े वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करो निवास। दशम पिता धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तत्कालीन समय को देखते हुए सिख धर्म को एक विशेष पहचान देने के लिए 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि पांच प्यारों की सृजना करके भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहेब सिंह जी, इनको पांच प्यारों की साजना करके उन्हें अमृत पान करवा करके ये खालसे का स्वरूप दिया, जहां हम पांच ककार, केश,
कड़ा कंघा कशहरा और कृपाण धारण करते हैं और ये विशेष रूप के धारणी बने। ऐसे 1699 में बैसाखी पर्व की स्थापना हुई, शुरुआत हुई और बैसाख महीने की पहली तारीख को ये हर साल बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का ये आदेश था, ये संदेश था कि व्यक्ति को संत और सिपाही दोनों के रूप में होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक तौर पर वो भावना से जीता है तो ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए उसे संत स्वरूप में होना चाहिए, पर यदि कोई जुल्म करता है तो उसका टक्कर लेने के लिए सिपाही का रूप भी धारण करना पड़ सकता है। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वर्याम अकेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले पांच प्यारों की साधना करके फिर उनसे अमृत की याचना की और उनका शिष्य बन के उनसे अमृत पान किया और पांच प्यारों को शीर्ष स्थान दिया। आज बैसाखी पर्व हम बड़े प्यार और श्रद्धा से न केवल हिंदुस्तान में वरन पूरे विश्व में बड़े प्यार और श्रद्धा से मनाते हैं। और हमारा ये पर्व मनाने के लिए हमारे पास भाई साहब जी लुधियाना से बुलंदपुरी जी विशेष तौर से पहुँचे हैं, हजूरी रागी जत्था बलजीत सिंह जी बुलंदपुरी जी और हमारे गुरु घर के वजीर ज्ञानी मान सिंह जी ने गुरबाणी के कीर्तन गायन करके गुरबाणी की विचार करके समूह साथ संगत को निहाल किया है। मैं समूह संगत को बिलासपुर की और बाहर की अपनी तरफ से तविंदर पाल सिंह अरोरा गुरुद्वारा कमेटी दयालबंद बिलासपुर और समूह प्रबंधक कमेटी की ओर से लख लख बधाई देता हूँ। और ये खालसा पंथ जो है, खालस का भाव है, खालस खालस माने जो शुद्ध है। गुरु गोविंद सिंह जी का हम एक फरमान पढ़ते हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। इसकी भावना ये है कि जो खालिस होगा, जो शुद्ध होगा, जो ईश्वर के बताए मार्ग पर चलेगा, अल्टीमेटली वही राज करेगा। और आकी रहे ना कोई से भाव है कि जो आतताई है, जो आतंकवादी है, जो दूसरों के जुल्म करता है, जो ईश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चलता है, वैसा व्यक्ति अल्टीमेटली नहीं रहेगा। ये एक तरह के सतयुग की कल्पना है जहाँ हर व्यक्ति ईश्वर का पुजारी होगा, वाहिगुरु का पुजारी होगा और वाहिगुरु के बताए मार्ग पर चलेगा। मैं आप सबको बैसाखी पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी नु बैसाखी दी लख लख बधाइयां।